नमस्कार दोस्तों, लालजी मनी ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग लिट्टी चोखा का प्रोग्राम किए हैं। सभी लोग मिलके आज लिट्टी चोखा बनाने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं लिट्टी चोखा बनते कैसे हैं। ये है हमारे सोनू बाबू, जो कटिंग मास्टर हैं, ये काटने में बड़ा माहिर हैं। अरे थोड़े शक्लिए दिखाइए ऊपर। अरे मन मन मुस्कुरा रहे हैं, देखिए ये बहुत मन मन मुस्कुराते हैं। अरे तनी लाइटों के सामने आइए। हाँ देखिए, बत्तीसी इनका दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए अभी ये लहसुन प्याज काट ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग घाटी बनाते हैं, उसके बाद आग लगाते हैं। कहाँ आग लगाएंगे वो? वहाँ आग लगाएंगे। गोइठा में। अरे भोजपुरिया नहीं जाना था वो। अभी गोइठा में आग लगाया जाएगा, उसके बाद हमारा लिट्टी चोखा का आज प्रोग्राम चलेगा। है आटा सनाता। आटा सनाता है, पानी उन्हें मिलाए हैं? हाँ पानी उन्हें मिला दल बढ़िया। अच्छा, हम समझे बिना पानी का ही उतरे हैं हाँ ना उसको। पानी उन्हें मिला दल बढ़िया। अच्छा, और कितना टाइट है? मतलब बहुत टाइट किया है। जितना रोटी का आप गूंथते हैं उससे थोड़ा सा, उसे टाइट चाहिए। उससे टाइट ही चाहिए। तो अब तो ये आपका आटा फिनिश तैयार हो चुका है। हाँ आटा तैयार। ये सबसे आज़ाद बहु मेहनती लड़के हैं। तो अभी हम लोग गोईठा में आग लगाएंगे। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि सोनू कटिंग मास्टर काट लिए हैं सारा चीज़, ठीक है। तो अब ये घाटी बनाने जा रहे हैं। जो भोजपुरी में जानता होगा उसको पता होगा, चने का सत्तू होता है उसको घाटी बोलते हैं, उसी का घाटी बनता है ना जी। हैं? हाँ। हाँ हम सही जा रहे हैं चलिए ठीक है। ये कई ठे प्याज काटे हैं? 3 ठो 3 ठे। तो इसमें से निकाल लीजिए, क्या होगा? चोखा नहीं बनाएगा। और चोखा के लिए दूसर काटा जाए हाँ चने तो का निकाल क्या? लीजिए थोड़ा सा चोखा के लिए। तो थोड़ा सा लहसुन भी निकाल लीजिए और थोड़ा सा मिर्च भी निकाल लीजिए। तो अगर आप लोगों को भी लिट्टी चोखा में इंटरेस्ट हो ना, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत लगता है। शुद्ध देसी भोजपुरिया ये मेहनत है। तो ये प्याज वो ले लिए, लहसुन हो गया, मिर्चा हो गया, और ये क्या लिए हैं? आम का खटाई। आप अपने टेस्ट अनुसार आम की खटाई भी ले सकते हैं। अब इसमें मिर्चा मिलाइए, और सॉरी नमक मिलाइए। और थोड़ा सा लीजिए नमक। आज इनको ट्रेंड करना है लिट्टी बनाने में। और थोड़ा सा नमक लीजिए टेस्ट अनुसार, और लीजिए। हाँ अब इसमें आप क्या मिलाएंगे? अजवाइन। पास इसमें आप ये अजवाइन मिला रहे हैं, और ये मंगरेल ब्लैक वाला क्या है? मंगरेल। मंगरेल और सौंफ। दोनों वैसे सौंफ नहीं मिलाते हैं, लेकिन इनके पास अभी मंगरेल है। ये हल्दी भी डाल दीजिए। हल्दी वैसे घाटी में वो रहता है, कोई बात नहीं, सब डाल दीजिए। सब एकदम देसी स्टाइल में बनेगा। इस सारे को मिक्स कर दीजिए, प्याज वगैरह को भी मिक्स कीजिए। अरे तो इसको पहले मिस लेने दीजिए। तो इसमें ये तेल मिला दिए हैं, तेल के बाद घाटी मिला रहे हैं। घाटी मिलाइए जी, चने का सत्तू का घाटी बनता है ये। आप लोग मैदा मत यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर पकौड़ा बन जाएगा। ये रहा घाटी। ये सारा चीज़ मिक्स करके अब इसको अच्छे से मिला देना है। तो ये गोलियाँ बना रहे, गोलियाँ बना लिया जा? बनाता अच्छा, तो जैसे रोटी का बनता है उसके साइज से थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अब इतना बड़ा मत कर दीजिए कि सुबह से शाम हो जाए पकाते पकाते। तो अब जितना मीडियम साइज रखेंगे तो जल्दी पकेगा। आज हम लोग शुद्ध एकदम बिहारी स्टाइल का खाना बना रहे हैं पिकनिक में। रात का कितना हो गया और टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया है 8 बज गया है। और आ गया जा। तो गोलिया तो बड़ा मस्त बना है। अरे थोड़ा सा आटा रहेगा ना जी इसको गोलिया बनाने के लिए? ना आटा नहीं चाहिए। हाथों में चिपकेगा नहीं? ना कुछ नहीं, तो मस्त होगा। तो ऐसे ऐसे गोलियां बना लेना है। देखिए
तो ये हम लोग इसमें 2 चम्मच के आसपास होगा भर के, और इसको अंदर के तरफ इसको थोड़ा थोड़ा हम पुश करते जाएंगे और ऊपर से ये आटा ऊपर आते जाएगा। मतलब ये देख सकते हैं, ये हमें पूरे 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है खाना बनाने का। अब क्या पूछना, मतलब जब से मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तब से घर से बाहर रह रहा हूँ। ये तो मैं गांव में आता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। ये जो बचता है उसको मैं काटता नहीं हूँ, इसे में मिला देता हूँ। आज़ाद मास्टर तो एकदम पक्का बनाए मास्टर हो गए हैं। अब इसको हम इधर साइड में रख लेंगे। देखिए हमारा लिट्टी बन के कितना अच्छे से। अरे इनका फोकस ले लीजिए जी, बोलते हैं। अरे ये अमर बाबू, देख लीजिए आप लोग, अमर बाबू हैं। हाँ पहचान लीजिए, ये साटा चलाते हैं। क्या चीज है साटा चलाते हैं जी? जयमाल वाला। जयमाल वाला, संपर्क करिएगा, संपर्क करिएगा, संपर्क करिएगा इनसे आप लोग, फिर ये मैं साटा बनवा देंगे। हाँ देखिए आग सोनू बाबू ऐसे लगाए हैं कि एकदम धाई धाई जल रहा है। अभी इसको ज़्यादा जलाना भी नहीं है, ज़्यादा जला देंगे तो रोटी लिट्टी हमारा बन भी नहीं पाएगा। अरे देखिए हमारा एकदम लिट्टी बन के तैयार है, मतलब गोली बन गया है। अब इसको आग पे पका देना है, उसके बाद तो मतलब चोखा के लिए हमने सामान। अरे टमाटर कहाँ है, हो सम टमाटर लाइए। तो टमाटर अभी इसी पे पक जाएगा, ऊपर रख देंगे तो टमाटर के लिए पकाने में कोई टाइम नहीं लगता है। उसकी सेकाई करना है, पका हुआ टमाटर है इसी का चोखा बनेगा। और आलू आज का पिकनिक कुछ एकदम खास ही होने वाला है। देखिए लिट्टी को आग पे रख दिया गया है और इसको कंटिन्यू उलटना पलटना पड़ता है। कुछ बोलो जी, कुछ बोलो। अतनी है ना यो तक ललो, अतनी है ना यो तक ललो। सोनू मास्टर तो आज बहुत मतलब गील हैं। तो हाथ मत जलाइए, हाथ मत जलाइए, आराम से पलटिए। थोड़ा अपना अपना चेहरा दिखाइएगा। तो हमारा लिट्टी बन के तैयार हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे चोखा बनाने के प्रोसेस में। विशाल बाबू ये हैं, विशाल बाबू लिट्टी बना के तैयार कर दिए हैं। और इनको गर्मी के मौसम में भी ठंड लग रहा है, देखिए आग कैसे तापते हैं देहात में। तो ये बिहारी चोखा के प्रोसेस में लग गए हैं सोनू बाबू, जो हम लोग बचाए थे प्याज लहसुन मिर्च नमक वो सारा चीज़ इसमें अब मिला दिए हैं। थोड़ा सा तेल ले लेंगे, अगर जिसको पसंद हो डालेगा, नहीं जिसको पसंद है नहीं डालेगा। सोनू बाबू को पसंद है तो ये डाल दिए। ये सोनू बाबू बैगन भूल गए हैं, बैगन नहीं लाए थे, सिर्फ टमाटर और आलू। बैगन से बहुत आदमी खजूट होता है। बैगन से बहुत आदमी को खजूट होता है, तो आप लोग भी सोच समझ के खाइएगा। ये काहे पिचकारी मार रहे हैं जी? तो चलिए आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पात में बैठ चुके हैं और देसी पतल, ये किस चीज का है जी? केले का। हम लोग केले के पतल में आज खाना खाएंगे। लिट्टी बन के तैयार है, चलिए टेस्ट करते हैं। हाँ
देख सकते हैं मतलब पूरे अच्छे से पकड़ी गया है। खाएगा सुबह कैमरा मैन सुबह में तो मतलब बहुत टेस्टी बना है। सबका लिट्टी चोखा खत्म हो गया है, अब हम लोग चलते हैं। बाय 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 बाय, सबको बोल दो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लालजी मनी का चैनल सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिट्टी चोखा बनाने में बहुत मेहनत लगा है।